फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक अल्कलाइन वाटर बोतल का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाली हूँ। दोस्तों, मैंने अल्कलाइन एंड एसिडिक पर ऑलरेडी एक अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर किसी वाटर का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है तो उसे अल्कलाइन वाटर कहते हैं। अल्कलाइन वाटर पीने से हमारे शरीर को बहुत फायदे हैं, जो कि हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे। तो चलिए पहले अल्कलाइन वाटर बोतल का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यह है साइन कम फल्व का अल्कलाइन वाटर बोतल, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह बोतल निकला है, इसको ऐसे ओपन करते हैं। यह है पीएच इंडिकेटर, इससे किसी भी लिक्विड का पीएच वैल्यू मापते हैं उसके कलर के हिसाब से। देखिए फ्रेंड्स, यह अल्कलाइन कार्ट्रिज है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिसे आप जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स, अब मैं इसका प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखूंगी कि इसमें रखा वाटर अल्कलाइन बनता है कि नहीं। साथ में कई और लिक्विड ले लूँगी, उसका भी पीएच वैल्यू मैं चेक करूँगी। फ्रेंड्स, यह है नॉर्मल टैप का पानी, यह है प्योरेट का पानी, यह है सॉफ्ट ड्रिंक, यह पैक ड्रिंकिंग वाटर है, यह है अल्कलाइन वाटर। फ्रेंड्स, यह सील पैक है, इसे खोल करके मैं ग्लास में डालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका भी सील पैक है, मैं आपके सामने इसको खोलती हूँ और इसको भी ग्लास में डाल लेंगे। फ्रेंड्स, यह है अल्कलाइन वाटर, इसे भी ग्लास में ले लेते हैं। फ्रेंड्स, सभी ग्लास में मैंने लगभग समान वाटर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यह है पीएच इंडिकेटर, सभी ग्लास में मैं दो दो बूंद डालूंगी, फिर देखूंगी किसका कलर कैसा आया। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं किस वाटर का कलर कैसा आया है, किस वाटर का पीएच वैल्यू कितना आया है। देखिए फ्रेंड्स, इस ग्लास में मैंने लिया था अल्कलाइन वाटर, इसका कलर ब्लूइश जैसा आया है, मतलब कि इसका पीएच 8.5 आया है। मतलब फ्रेंड्स, यह 8.5 के आसपास है, मतलब कि यह बॉटल काम करता है, यह अल्कलाइन वाटर ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें बिस्लेरी का पानी लिया था, इसका कलर ग्रीनिश जैसा आया है, कलर के हिसाब से इसका पीएच 7 है, मतलब कि यह न्यूट्रल वाटर हो गया। फ्रेंड्स, इस ग्लास में मैंने लिया था सॉफ्ट ड्रिंक, इसका कलर रेड जैसा आया है, कलर के हिसाब से इसका पीएच 4 से 4.5 है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने लिया था प्योरेट का पानी, इसका कलर ग्रीनिश जैसा आया है, कलर के हिसाब से इसकी पीएच 7 है, मतलब कि यह न्यूट्रल वाटर है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने लिया है टैप का पानी, इसके कलर के हिसाब से इसका पीएच है 7.5, मतलब कि यह भी अल्कलाइन वाटर है। फ्रेंड्स, मैंने छोटा सा प्रैक्टिकल करके सबका पीएच वैल्यू चेक कर लिया है, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वाटर पीना चाहिए, कौन सा नहीं पीना चाहिए।